नमस्कार, मैं अनु त्रिपाठी। अभी सूत्रों से खबर आ रही है, आपको बता दें कि योगी सरकार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अगर उत्तर प्रदेश के बाहर योगी अगर जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा को ध्यान रखा गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे मामले आए हैं जो कहीं ना कहीं उनकी दुश्मनी करा रही है। आपको बता दें कि अतीक अशरफ हत्याकांड को जांच आयोग का गठन किया गया है, जिसे कहीं ना कहीं जांच होने के बाद ही ये पता लगाया जा सकता है कि आखिर ये साजिश के तहत हत्या की गई है या इसमें कोई राजनीतिक पार्टियां भी सम्मिलित हैं। आपको बता दें कि हाल में ही खबर मिली है कि नासिक से गुड्डू मुस्लिम पकड़ा जा चुका है। अब सवाल इस बात का है कि क्या गुड्डू मुस्लिम का भी एनकाउंटर योगी सरकार कर सकती है? आप भी अपना कमेंट में प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारा चैनल सबसे पहले आपको वो खबरें देता है जो कहीं ना कहीं आपको एकदम साफ सुथरी और सटीक जानकारी देने का प्रयास करता है। यहां तक भी पता चला है कि जब योगी जी ने सदन में भाषण दिया था कि मिट्टी में मिला दूंगा, तो कहीं ना कहीं लोग अखिलेश यादव को अपनी तरफ घसीट रहे, क्योंकि अखिलेश यादव अगर ऐसा जोश ना भरते तो शायद योगी सरकार ऐसा फैसला या ऐसा चैलेंज ना करती। यहां पर आपको बता दें कि जब अतीक अहमद के बेटे का शव दफनाया गया तो वहां पर कुछ मुस्लिम महिलाओं ने भी प्रतिक्रिया दी है और यहां तक कहा है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है, मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो मौजूद समय में सही कार्य कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश यादव या अन्य जो पार्टियां हैं वो सिर्फ राजनीतिक तौर पर लोगों की जान का खतरा बनते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि जो अखिलेश यादव हैं या अन्य जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं उनका लोग विरोध कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो। ये लोगों की प्रतिक्रिया है, ये हमारी तरफ से कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी हैं, सभी राजनीति करती हैं। आगे की खबर हम बता रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ और भी देखेंगे खबर। आपको बता दें केजरीवाल से 9 घंटे CBI की पूछताछ हुई, आम आदमी पार्टी ने किया हंगामा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जेल हो जाए। कुछ लोगों का कहना है, प्रतिक्रिया देना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार पूरे भारत से लगातार विपक्ष को खत्म करने का प्रयास कर रही है। आपकी क्या राय है ये हमें जरूर बता दीजिएगा। आपको बता दें कि देश में कोरोना से 24 घंटे में 23 मौत हो चुकी हैं और कोरोना फिर से आ रहा है, तो सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अगर आप सावधानी बरतते हैं तो कोरोना से फिर भी आप आराम से जीत सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अनु त्रिपाठी, वॉइस किंग 24 मीडिया।